नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आप सभी दर्शकों को दिखाते हैं झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम खबरें। भवानी मंडी शहर के राजकीय बिरला महाविद्यालय में रक्षाबंधन के पर्व पर उपखंड अधिकारी राहुल कुमार मल्होत्रा ने अपने हाथों से महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन के पवन अवसर पर उपहार के रूप में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन वितरित किए। वहीं स्मार्टफोन मिलते ही महिलाओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और महिलाएं बालिकाएं बारी बारी से अपना नंबर आने का इंतजार करती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही उपखंड अधिकारी राहुल कुमार मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि झालावाड़ जिले के में भवानी मंडी उपखंड द्वारा इस योजना का लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है और ब्लॉक में 2600 से अधिक स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं और हम राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमने अपनी बहनों को उपहार के रूप में स्मार्टफोन वितरित किए ताकि महिलाओं को वर्तमान युग में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही स्कूल कॉलेज की बालिकाओं को अध्ययन करने में परेशानी ना हो और वहीं डिजिटल शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सके। इस दौरान महिलाओं ने राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि आगे भी राजस्थान सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाए। शिविर के दौरान शिविर नोडल प्रभारी चंद्रशेखर गर्ग, पूर्व सरपंच विजय सिंह, उमराव सिंह, वरिष्ठ सहायक विनोद जाटव, महेश सोनी, व्याख्याता राजू गुजर, दौलत राम शर्मा, सांघिक विभाग युवा मित्र जसवंत धाकड़, कंप्यूटर अनुदेशक विष्णु सेन, सौरभ जैन, चंद्रशेखर सिंह, प्रदीप जोगी, अखिलेश नागर, आवास तिवारी सहित समाज सेवी अनवर अली और प्रशांत बेरवा सहित सभी टेलीकॉम कंपनी के सदस्य मौजूद रहे। उनको बांटे जा रहे हैं और आज रक्षाबंधन भी है, महिलाओं को दुगनी खुशी जो है आज मिल रही है। एक तरफ निःशुल्क मोबाइल, एक तरफ रक्षाबंधन का पावन पर आज आपके हाथों द्वारा 10 से 15 महिलाओं को और बालिकाओं को मोबाइल दिए गए हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी योजना है सरकार की और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे मोबाइल लेने, उनको मैसेज किए जा रहे हैं और यहाँ आने के बाद भी उनको कम समय में ही मोबाइल दिए जा रहे हैं और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से व्यवस्था को संभाले हुए हैं। मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों को इसके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, रक्षाबंधन भी है? रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन जो महिलाएं आज यहाँ पे आई हैं उनको उपहार के रूप में और राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत मोबाइल मिले हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के काली तलाई में बड़े भाई ने शराब के नशे में छोटे भाई पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि मृतक की बहन संतोष भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका भाई कालू राम, पिता गंगाराम व राकेश, पुत्र गंगाराम में बुधवार शाम को विवाद हो गया। इस दौरान कालू राम ने शराब के नशे में राकेश पिता गंगाराम के पेट में वार कर दिया, जिस पर राकेश को गंभीर हालत में निजी चिकित्सालय लेकर आए और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया और फिलहाल हत्या का आरोपी फरार चल रहा है। भवानी मंडी शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहन ने उपखंड अधिकारी राहुल कुमार मल्होत्रा को रक्षा सूत्र बांध कर ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित की, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हाथ में रक्षा सूत्र बनवाकर उन्हें धन्यवाद अर्पित किया। झालावाड़ में राजस्थान मिशन 2023 अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में विकसित राजस्थान मिशन 2023 का दस्तावेज तैयार करने के संबंध में जिला रोजगार कार्यालय में 1 सितंबर 2023 को प्रातः 10 बजे परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिले के समस्त निजी नियोजक, औद्योगिक इकाइयों और संगठन के प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के समस्त लाभार्थी अपना अनुभव, ज्ञान, प्रेरणा, विचार साझा कर विजन दस्तावेज 2030 को तैयार करने में योगदान प्रदान करेंगे। झालावाड़ जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। इस हेतु आज मिनी सचिवालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक और ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर ने भाग लिया। कार्यक्रम के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ नगर समीप ग्राम पंचायत आंकली शिवदास गौशाला, सांगोरिया, गायत्री शक्तिपीठ आदि जगहों पर गरोठ क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक राजेश यादव की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र विनीत यादव, पुत्र वधु डॉक्टर अनुप्रिया यादव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा वृक्षारोपण किया गया और उनके द्वारा बताया कि हर व्यक्ति को वृक्षारोपण कर प्रकृति को अनुकूल बनाने में सहायक बनाना चाहिए। वृक्षों से ही हमारा जीवन निर्वाह होता है, इसी संकल्प करना चाहिए कि वृक्षारोपण कर हमारा जीवन सार्थक करें। और इस अवसर पर आंकली शिवदास सरपंच प्रतिनिधि भारत सिंह सैकड़ों संख्या में ग्रामीण उपस्थित।
मनोर थाना कस्बे में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जरूरतमंद लोगों को बालाजी रक्तदान समूह चंदीपुर की ओर से हैप्पी किट वितरित किए और बालाजी रक्तदान समूह कोऑर्डिनेटर जगदीश लोडा ने बताया कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी रक्तदान समूह झालावाड़ के तत्वावधान में बालाजी रक्तदान समूह चंदीपुर द्वारा क्षेत्र के निर्धन और जरूरतमंद लोगों को हैप्पी किट वितरित किए, जिसमें राखी सामग्री का साथ खाद्य सामग्री व मिठाई भी थी। झालावाड़ जिले में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर झालावाड़ जिले के झालरापाटन सुनेल पिलावा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर गुरुवार को जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने निरीक्षण किया। झालरापाटन ब्लॉक में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गिंदौर में मतदान केंद्र के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने केंद्र पर छाया व पानी और शौचालय बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं को माकूल व्यवस्था करवाने और मतदान केंद्र पर अतिरिक्त दरवाजा बनवाने के निर्देश उपखंड अधिकारी झालावाड़ संतोष कुमार मीणा को दिए। पिलावा तहसील क्षेत्र के धाराखेड़ी गांव में नवनिर्मित बालाजी मंदिर पर प्रत्येक माह की पूर्णिमा की भांति इस पूर्णिमा पर भी भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया। डॉक्टर नारायण सिंह ने बताया कि कथा के बाद मंदिर पर बालाजी की पूजा आरती के बाद प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। पिलावा में जिला कलेक्टर आलोक रंजन व पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर इन दोनों अधिकारियों ने पिलावा सहित क्षेत्र के हेमड़ा डोला गांव में भी मतदान केंद्रों का भौतिक अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण भी मौजूद रहे। उन्हें क्षेत्र में भाई बहन के अटूट बंधन का त्यौहार रक्षाबंधन गुरुवार को 2 दिन तक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनें और भाइयों ने कलाइयों पर रक्षा सूत्र में बांधे। त्योहारों को लेकर बाजारों में 2 दिनों तक काफी चहल पहल रही और बाजारों में राखी किराना कपड़ों की दुकान पर काफी भीड़ रही। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय पर भी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्हें नागेश्वर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जैन और सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी आदि लोग वहां मौजूद रहे और उनको राखी बांधी। आवर पगारिया कस्बे में बुधवार और गुरुवार दोनों दिन मनाया गया रक्षाबंधन पर्व। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। प्रवेश प्रारंभ। संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक दोनों ही हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में, कक्षा 11वीं में विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ शहर के मध्य में शिक्षा की बेहतर सुविधा। बोर्ड परीक्षा परिणाम 100%। गत 21 वर्षों से संचालित अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन एवं शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण एवं सुरक्षित परिसर। आज ही संपर्क करें संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, उषा कॉलोनी, भवानी मंडी। प्रधानाचार्य उमाशंकर शर्मा, मोबाइल नंबर हैं जिनके 9784883535। अब जमाना नॉर्मल एजुकेशन का नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन का है। ब्राइट फेडर पब्लिक स्कूल, स्कूल बस फैसिलिटी अवेलेबल, नर्सरी टू 8th क्लास इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, लिंक रोड रामनगर पुलिया टू बायपास शांति श्री कॉलोनी भवानी मंडी। मोबाइल नंबर 9033586728, 9079167225। फॉर इन क्वालिटी हेड ऑफिस ब्राइट फेडर अकेडमी, रामनगर, भवानी मंडी।